नमस्कार मित्रों, आज हम सभी इस वीडियो के माध्यम से रस, जो कि परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण विषय है, इस पर चर्चा करेंगे। यह टॉपिक लगभग सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में तथा हाई स्कूल व इंटर की परीक्षाओं में भी पूछा जाने वाला टॉपिक है। आइए इसके विषय में हम जानते हैं। रस, रस अर्थात कविता, कहानी, उपन्यास आदि को पढ़ने या सुनने से एवं नाटक को देखने से जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहते हैं। रस काव्य की आत्मा है। आचार्य विश्वनाथ के अनुसार साहित्य दर्पण में आया हुआ है, वाक्यम रसात्मकम काव्यम, अर्थात रसात्मक वाक्य काव्य है। भरत मुनि के अनुसार नाट्यशास्त्र में आया हुआ है, विभावा अनुभाव व्यभचारी भाव, व्यभचारी संयोगादृश निष्पत्ति ही, अर्थात विभाव अनुभाव और व्यभचारी भावों के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। रसों के आधार भाव हैं। भाव मन के विकारों को कहते हैं। यह मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। यही काव्य के प्रमुख अंग कहलाते हैं। पहला अस्थाई भाव तथा संचारी भाव। अस्थाई भाव रस रूप में पुष्ट या परिणत होने वाला तथा संपूर्ण प्रसंग में व्याप्त रहने वाला भाव अस्थाई भाव कहलाता है। अस्थाई भाव मुख्यतः नौ हैं, किंतु वात्सल्य को दसवां स्थाई भाव स्वीकारा गया है। कुछ पुस्तकों में केवल नौ ही स्थाई भावों की बात की जाती है तथा कुछ ऐसी भी पुस्तकें हैं जिनमें ग्यारहवां अर्थात भक्ति रस की भी बात की जाती है। पहला रति, हास, शोक, क्रोध, उत्साह, भय, जुगुप्सा, विस्मय, निर्वेद या वात्सल। रति अर्थात स्त्री पुरुष के परस्पर प्रेम भाव को रति कहते हैं। यह रति बालक के प्रेम के प्रति भी हो सकता है तथा रति भगवान के प्रेम से भी उत्पन्न रहता है। अर्थात यदि स्त्री के प्रति प्रेम हो तो वहाँ पर श्रृंगार रस, यदि बालक के प्रति प्रेम हो तो वहाँ पर वत्सल रस या वात्सल्य रस, तथा यदि भगवान के प्रति प्रेम है तो वहाँ पर भक्ति रस उत्पन्न रहता है या होता है। हास किसी के अंगों, वेशभूषा, बाड़ी आदि के विकारों के ज्ञान से उत्पन्न प्रफुल्लता को हास कहते हैं। शोक इष्ट के नाश अथवा अनिष्टागम के कारण मन में उत्पन्न व्याकुलता शोक है। क्रोध अपना काम बिगाड़ने वाले अपराधी को दंड देने के लिए उत्तेजित करने वाली मनोवृत्ति क्रोध कहलाती है। उत्साह दान, दया और वीरता आदि के प्रसंग से उत्तरोत्तर उन्नत होने वाली मनोवृत्ति को उत्साह कहते हैं। भय प्रबल अनिष्ट करने में समर्थ विषयों को देखकर मन में जो व्याकुलता उत्पन्न होती है उसे भय कहते हैं। जुगुप्सा घृणा उत्पन्न करने वाली वस्तुओं को देखकर उनसे संबंध न रखने के लिए बाध्य करने वाली मनोवृत्ति को जुगुप्सा कहते हैं। विस्मय किसी असाधारण अथवा अलौकिक वस्तु को देखकर जो आश्चर्य होता है उसे विस्मय कहते हैं। निर्वेद संसार के प्रति त्याग भाव को निर्वेद कहते हैं। वात्सल्य पुत्रादि या पुत्र के प्रेम स्नेह को वात्सल्य कहते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं विभाव की। विभाव अर्थात जो व्यक्ति, वस्तु, परिस्थितियां आदि अस्थाई भावों को जागृत या उद्दीप्त करती है उन्हें विभाव कहते हैं। विभाव मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। पहला
आलंबन विभाव। आलंबन अर्थात अस्थाई भाव जिन व्यक्तियों वस्तुओं आदि का अवलंब लेकर अपने को प्रकट करते हैं उन्हें आलंबन विभाव कहते हैं। इसके मुख्यतः दो भेद हैं, आश्रय एवं विषय। आश्रय जिस व्यक्ति के मन में रति आदि अस्थाई भाव उत्पन्न होते हैं उसे आश्रय कहते हैं। विषय जिस व्यक्ति या वस्तु के कारण आश्रय के चित्त में रति आदि अस्थाई भाव उत्पन्न होते हैं उसे विषय कहते हैं। उद्दीपन विभाव। उद्दीपन अर्थात भाव को उद्दीप्त अथवा तीव्र करने वाली वस्तुएं, चेष्टाएं आदि को उद्दीपन विभाव कहते हैं, जैसे सुंदर, पुष्पित, उद्यान आदि। नेक्स्ट अनुभव। आश्रयगत आलंबन को उन चेष्टाओं को जो उसे अस्थाई भाव का अनुभव कराती हैं अनुभव कहते हैं। भाव कारण तथा अनुभव कार्य कहलाते हैं। अनुभव मुख्यतः चार प्रकार के होते हैं। पहला कायिक अनुभव। कायिक अर्थात शारीरिक, जैसे हाथ, भौं, आँख या शरीर के विभिन्न अंग। मानसिक अनुभव। मानसिक अर्थात मानसिक चेष्टाओं को मानसिक अनुभव कहते हैं। आहार्य अनुभव। आहार्य अर्थात वेशभूषा से जो भाव प्रदर्शित होते हैं उसे आहार्य अनुभव कहते हैं। सात्विक अनुभव अर्थात शरीर के सहज अंग या विकार से जो विभाव अनुभव उत्पन्न होते हैं उसे सात्विक अनुभव कहते हैं। संचारी भाव। आश्रय के चित्त में उत्पन्न होने वाले अस्थिर मनोविकारों को संचारी भाव कहते हैं। संचारी भाव पानी के बुलबुलों की भांति बनते व मिटते रहते हैं। संचारी भावों की संख्या 33 मानी गई है, जिसमें निर्वेद, आवेग, दैन्य, श्रम, मद, जड़ता, उग्रता, मोह, स्वप्न, अपस्मार, गर्व, मरण, आलस्य, अमर्ष, निंद्रा, अभिथा, उत्सुकता, उन्माद, शंका, स्मृति, मति, व्याधि, संत्रास, लज्जा, हर्ष, असूया, विषाद, धृति, चपलता, ग्लानि, चिंता, विबोध, वितर्क आदि हैं। प्रत्येक रस का अस्थाई भाव नियत रहता है, जबकि एक ही संचारी भाव अनेक रसों के साथ रह सकता है। रस एवं उनके अस्थाई भाव। रस श्रृंगार रस। श्रृंगार रस का अस्थाई भाव रति। हास्य रस हास। करुण रस अस्थाई भाव शोक। रौद्र रस क्रोध। वीर रस अस्थाई भाव उत्साह। भयानक रस अस्थाई भाव भय। बीभत्स रस जुगुप्सा। अद्भुत रस विस्मय। शांत रस निर्वेद। वत्सल रस जिसका अस्थाई भाव वात्सल्य होता है या रति भी कहते हैं इसे। श्रृंगार रस सहृदय के चित्त में रति नामक अस्थाई भाव का जब विभाव अनुभाव और संचारी भाव से संयोग होता है तो वह श्रृंगार रस का रूप धारण कर लेता है। श्रृंगार रस के मुख्यतः दो भेद हैं, संयोग श्रृंगार तथा संभोग श्रृंगार। सेकंड वियोग श्रृंगार या विप्रलभ श्रृंगार। संयोग श्रृंगार जहाँ नायक और नायिका के मिलन का वर्णन होता है वहाँ संयोग श्रृंगार होता है। उदाहरण लता ओट सब सखिन लखाएं, श्यामल गौर किशोर सुहाए, देख रूप लोचन ललचाने, हर से जन निज निध पहचाने। वियोग श्रृंगार जहाँ नायक और नायिका के विरह अर्थात मिलन का अभाव का वर्णन होता है वहाँ वियोग श्रृंगार होता है। हे खगमृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। नेक्स्ट दूसरा हास्यरस। हास्यरस अर्थात जब किसी विषय वस्तु को कहने, सुनने व करने से मन में हास नामक स्थायी भाव उत्पन्न होता है तो वहाँ हास्यरस होता है। उदाहरण मातहि पितहि उरनि भय नीके, गुरु ऋण रहा सोच बड़ जी के।
करुण रस, भाव विभाव अनुभाव एवं संचारी भाव के संयोग से जहाँ पर शोक नामक स्थायी भाव उत्पन्न होता है वहाँ करुण रस होता है। उदाहरण, मणि खोए भुजंग सी जननी, फंसा पटक रही थी शीश, अंधी आज बनाकर मुझको किया न्याय कैसा जगदीश। यह पंक्ति श्रवण कुमार की माता के लिए कहा गया है, जब श्रवण कुमार को राजा दशरथ जी के द्वारा मार दिया जाता है तथा यह संदेश उनके द्वारा दिया जाता है, वहीं से है कि मणि खोए भुजंग सी जननी, फंसा पटक रही थी शीश, अंधी आज बनाकर मुझको किया न्याय कैसा जगदीश। रौद्रस अर्थात विभाव अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से क्रोध नामक स्थायी भाव रौद्रस का रूप धारण कर लेता है। जैसे ज्वललाट पर अदम्य तेज वर्तमान था, प्रचंड मान भंग जन्य क्रोध वर्तमान था, ज्वलंत पुच्छ बाहु व्योम में उछालते हुए, अराति पर असह अग्नि दृष्ट डालते हुए, उठे कि दिग दिगंत में अवर्ण ज्योति छा गई, कपीस के शरीर में प्रभा स्वयं समा गई। यह पंक्ति श्याम नारायण पांडे जी द्वारा रचित जय हनुमान से ली गई है। इन पंक्तियों में हनुमान जी की पूंछ में आग लग जाने से उनकी प्रतिक्रिया का वर्णन किया गया है। वीर रस विभाव अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से उत्साह नामक स्थायी भाव वीर रस की दशा को प्राप्त होता है। जैसे चढ़ चेतक पर तलवार उठा, करता था भूतल पानी को, राणा प्रताप सिर काट काट करता था सफल जवानी को। इसके अलावा एक वीर अभिमन्यु द्वारा एक वाक्य कहा गया था, उन्होंने अपने मित्र से कहा था कि मैं सत्य कहता हूँ सखे, सुकुमार मत जानो मुझे, यमराज से भी युद्ध में प्रस्तुत सदा मानो मुझे, है और की तो बात क्या मैं गर्व तो करता नहीं, मामा तथा निजतात से भी समर में डरता नहीं। मित्रों नेक्स्ट भयानक रस। भयानक रस अर्थात विभाव अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से भय नामक अस्थाई भाव भयानक रस का रूप ग्रहण करता है। उदाहरण, लंका की सेना तो कपि के गर्जन रव से कांप गई, हनुमान के भीषण दर्शन से ही विनाश को भांप गई, उस कंपित संकित सेना पर कपिनाहर की मार पड़ी, त्राही त्राही शिव त्राही त्राही शिव की सब ओर पुकार पड़ी। मित्रों यह पंक्ति भी श्याम नारायण पांडे जी द्वारा रचित जय हनुमान से लिया गया है। इसमें लंका की सेना आश्रय योम हनुमान आलम्बन है, गर्जन योम भीषण दर्शन उद्दीपन है, योम त्राही त्राही पुकारना योम कांपना अनुभाव है, शंका चिंता संत्रास आदि संचारी भाव हैं। विभत्स रस विभाव अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से जुगुप्सा अर्थात घृणा अस्थाई भाव विभत्स रस का रूप ग्रहण करता है। जैसे को अंतरिन की पहिर माल इतरात दिखावत, को चर्बी लय चोप सहित निज अंगन लावत, को मुंडन लय मान मोद कंदुक लौडारत, और को रुंडन पे बैठ करे जो फारी निकारत। यहाँ पर जैसा कि मित्रों मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि यदि स्त्री के प्रति प्रेम से रति नामक स्थायी भाव की उत्पत्ति होगी तो वहाँ पर श्रृंगार रस होगा, यदि बालक से प्रेम के प्रति रति नामक स्थायी भाव की उत्पत्ति होगी तो वहाँ पर वात्सल्य रस होगा, एवं यदि भगवान के प्रति प्रेम से रति नामक स्थायी भाव की उत्पत्ति होगी तो वहाँ पर भक्ति रस उत्पन्न होगा। नेक्स्ट अद्भुत रस। अद्भुत रस अर्थात विभाव अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से विस्मय नामक स्थायी भाव अद्भुत रस की दशा को प्राप्त होता है। उदाहरण, यहाँ हुआ दुई बालक देखा, मति भ्रम मोर की आन विशेखा, तन पुलकित मुख वचन न आवा, नयन मूंद चरणन सिर नावा। यह
पंक्ति रामचरितमानस से ली गई है। यौम इसके रचयिता स्वामी तुलसीदास जी हैं। माता कौशल्या आश्रय तथा यहाँ वहाँ दो बालक दिखाई देना आलंबन है। सांतरस विभाव अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से निर्वेद नामक अस्थाई भाव सांतरस का रूप ग्रहण करता है। उदाहरण, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देख्या माही। नेक्स्ट मित्रों, वात्सल्य रस, वात्सल्य या रति नामक अस्थाई भाव विभाव और अनुभाव संचारी भाव के संयोग से वात्सल्य रस उत्पन्न होता है। उदाहरण, सहित कर नवनीत लिए घुटरुन चलत रेणु तरण मंडित मुख दधि लेप किए। नेक्स्ट भक्ति रस, जैसा कि मित्रों मैंने पहला ही बताया हुआ है कि कुछ किताबों में यह उल्लिखित नहीं है तथा कुछ पुस्तकों के द्वारा भक्ति रस को ग्यारहवां रस माना जाता है। भाव विभाव अनुभाव एवं संचारी भाव के संयोग से जहाँ पर रति नामक अस्थाई भाव भगवान के प्रति उत्पन्न होता है वहाँ भक्ति रस होता है। उदाहरण, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरे पति सोई। मित्रों प्लीज़ आप इस वीडियो पर लाइक कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, थैंक्स अट ऑल।